बारा छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के सारथल पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भावपुरा निवासी ओम प्रकाश लोधा ने अपनी पत्नी के गुमशुदगी को लेकर सारथल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ओम प्रकाश ने बताया कि मैं सुबह सब्जी खरीदने के लिए पहले एक लेरा मंडी में गया, वहां से घर आने के बाद मैं वापस घर से सुबह 9 बजे गांव में सब्जी बेचने के लिए गांव में निकला। तब मेरी पत्नी फुलबाई और 7 साल का बच्चा राकेश को रोजाना की तरह घर पर ही छोड़ कर गया। जब मैं शाम को सब्जी बेचकर 7 बजे वापस अपने घर लौटा तो मुझे गेट का बाहर से ताला लगा हुआ दिखाई दिया और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। जिस पर मेन गेट के पास देखा तो गेट के अंदर नीचे चाबी पड़ी हुई थी। मैंने ताला खोलकर अंदर देखा तो बच्चा घबरा रहा था और रो रहा था, तो मैंने बच्चे को संभाला और उससे इसकी मम्मी के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे कहीं भी उसका पता नहीं लगा। आसपास पड़ोस में भी तलाश की लेकिन किसी ने भी उसे कहीं आते जाते नहीं देखा। उसके बाद मैंने जब घर की तलाशी की तो मुझे चांदी के जेवर और जो नकदी पैसे रखे थे वे नहीं मिले। उसके बाद मैंने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही पूर्व में भी मेरी पत्नी के साथ एक लड़का आया जाया करता था जिसको मेरे परिवार वालों ने कमरे में बंद कर दिया था। उस समय मैं तमिलनाडु मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं घर आने के बाद से मैं घर पर ही रहता था, लेकिन पेट पालने के लिए मैं सवेरे निकलता था और रात को 7 बजे सब्जी बेचकर जब घर वापस आता था। इसके बीच में मेरी पत्नी कहाँ रहती थी, क्या करती थी, इसका मुझे कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन अचानक जब घर पर मुझे पत्नी दिखाई नहीं दी तो मैंने शक के आधार पर राम भरोस मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 तारीख को सब्जी बेचने गया था 9 बजे। सब्जी बेचने गया था तो जानते मेरी पत्नी मेरे घर पर पहुँच गई थी। मैं सब्जी बेच कर वापिस आया, मेरे को पत्नी मेरी कुछ भाई नहीं मिला। मेरा बच्चा रोकता हुआ मिला, ताला लगा हुआ मिला, उसमें चाबी अंदर डली हुई मिली। 4 तारीख 4 तारीख को लापता हुआ। 4 तारीख फिर आपने उसके जांच तलाश बात करते हो तो मुझे उसने कोई बदी नहीं लगाई, मेरे को नहीं दी। दर्ज करवाए रिपोर्ट सार्थी थाना में पहले तक पुलिस विभाग में ढूंढ कर उसने मना कर दिया, यहाँ पर न्याय पर रिपोर्ट करवाई। आदमी का शक है मेरे, किसी पे शक है आपको? शक है मेरे। तो आपने कोई शक के आधार पे या क्या रिपोर्ट किस आधार पे दर्ज करवाया आपने? राम भरोस के साथ पत्री वाला मीणा, राम भरोस मीणा के पहले वो आया था। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी कार्रवाई चालू है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।